हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलों को जय दुर्गा। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, आज माता की चौकी है। लेकिन आज पता है क्या है, बहुत सारे लोगों ने शक्तियों का काम चालू करा है। देखो मैं अभी भी आप लोगों को बोल रही हूँ, आप लोग ना मजाक में ले रहे हो। मुझे बहुत सारे जहाँ बोलते हैं मारण क्रिया कराना है, ये कराना है। सुल्तान जिन लो ना, 72 घंटे में आपका काम हो रहा है, सारा कुछ काम अच्छे से हो जाएगा। दूसरी बात, मेरी माता रानी आज बहुत प्यारी दिख रही हैं। आप उनको देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा, आप लोगों का लगेगा कि मैं उनकी नज़र उतार दूँ। आज माता की चौकी और आज वो इतनी प्यारी लग रही है। आज उन्होंने महाकाली का, महादुर्गा का सब कुछ रूप लिया। आज माँ स्कंद माता का 5वां दिन है और मैंने कहा ही था कल रात को ही कि कहते 10 महाविद्या में छिन्नमस्तिका का दिन है। छिन्नमस्तिका का रूप ही इतना बड़ा है, छिन्नमस्तिका वाले में जब माँ शाकंभरी का रूप एक होता है जिसमें माँ जब हमारे यहाँ पे पूरे कहते ना पूरे विश्व में पानी का अकाल पड़ गया था, माँ ने इस तरह का रूप लिया था जिससे कि आज हम जो पानी पी रहे हैं वो माँ शाकंभरी का कहते हैं रक्त को ही पानी के रूप में पिया जा रहा है। और आज स्कंद माता का रूप है, कहते ना जिन्हें बच्चा नहीं होता ना वो आज के दिन अगर माँ की पूजा करे, अर्चन करे तो ज़रूर उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। दूसरा, मेरी माँ तो हैं बड़ी ज़िद्दी। मैं लाख कोशिश करूँ लेकिन वो जो चाहती हैं वही करती हैं। देखिए अभी तक नवरात्रि में मुझे कोई अर्चन नहीं आया, कुछ नहीं आया, लेकिन वो जो चाहती हैं वही होता है। मैंने हमेशा देखा, मैं लाख जिद करूँ, अगर मैंने क्या कहा, अगर मेरे लिए बाहर अगर कहीं लिखा होगा कि मेरे लिए एक्सीडेंट लिखा है, कुछ चोट लिखी है, उस दिन ये माँ मुझे बाहर नहीं जाने देंगी। खास करके अमावस्या पूर्णिमा को बाहर नहीं जाने देती है, और अगर यहाँ कुछ लिखा रहेगा तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ से दूर भेज देंगे। ऐसी आज हुआ है। आज माता की चौकी है और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बता रही हूँ, मैं किसी को ऐसा ताने नहीं मार रही हूँ। सबको लगता है कि ताने बहुत मारती हूँ। ये है कि सबको लगता है कि मतलब माता रानी, मतलब मैं कैसी हूँ, मेरा गुस्सा पल भर का है, 5 मिनट का ख़त्म हो जाता है। लेकिन मेरी माता रानी का गुस्सा बहुत है, वो किसी को भी नहीं बख्शेंगे। शायद चाहे कोई मेरा अपना हो, चाहे कोई भी हो, किसी को नहीं बख्शेंगे। जब कोई मेरा दिल दुखाता है या मुझ पर नज़र रखता है या मुझ पर मेरे साथ वो करता है तो उनको बहुत बखूबी वो उनको बराबर करती। जैसे कि अमावस्या के एक दिन पहले मैंने केशव के पापा को बहुत मना किया था, मत जाओ बाहर, उन्होंने नहीं सुनी। वो हमेशा एक जिद, उनकी जिद है, अगर उन्हें कोई बात मना करो ना वो जानबूझ के वो काम करते हैं। उनको लगता है कि कुछ नहीं, इसका गुस्सा शांत होगा फिर बात करेंगे। मेरा गुस्सा शांत होगा ना, मेरी माँ का गुस्सा तो शांत नहीं होगा ना। आज उनके लिए मैंने झूठे बोलूँगी के लिए कुछ गिफ्ट लिया गया था, सोचा गया था कि आज के दिन उनको मैं ले लूँगी, पहना दूँगी। माता रानी भी ये बात जानती है कि कुछ भी करके मेरी बेटी है, कुछ ना कुछ करके तो करेगी। आज पता है उन्होंने क्या किया? आज 11 अक्टूबर है और आज पूरी मुंबई बंद कर दी गई है। मतलब आज पूरी मुंबई बंद है, सारी दुकानें बंद है, सारे ज्वेलर बंद है, सब कुछ बंद है। मतलब ये ऐसी हैं, ये किसी को नहीं बख्शती हैं। मतलब उनको एक बात का गुस्सा है कि जब उनको ये बात का गुस्सा है कि जब सामने वाला तेरी कदर नहीं करता, तेरी बात नहीं मानता, तो उसको भी ये सज़ा मिलनी ज़रूरी है। क्योंकि आज मैंने माता जी से सुबह बहुत आराधना की कि माँ ऐसे मत करो, तो माँ ने एक ही बात कही, माता की चौकी ज़्यादा ज़रूरी है कि तुझे गिफ्ट देना ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बोला माँ आपकी चौकी ज़्यादा ज़रूरी है, बस मेरी चौकी में ध्यान दे, नहीं देना है। क्यों सामने वाले की आदत क्यों बिगाड़ना? सामने वाला ये जानता है कि तुम चाहे लाख नाराज़ रहोगी लेकिन सामने वाले की हर खुशी पूरी करोगी। सामने वाला तुम्हारी खुशी का जरा भी इतना भी सभी मान नहीं रखता है, इसलिए मैं वो चीज़ होने ही नहीं दूंगी। उन्होंने बोलते अगर एक बार कुछ हो भी गया तो दुकानें नहीं खुली है, दुकानें कैसे खुलेंगी? जब दुकान बंद है तो सामान कहाँ से आएगा? ये इनका गुस्सा है। और जब वो अपने दामाद पे इतना गुस्सा दिखा सकते हैं तो सोचो जिसकी वजह से ये काम हुआ है उसके ऊपर कितना गुस्सा दिखाएंगे। ये कांड जिस औरत की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से भी हुआ है, उसको तो पूरी सज़ा देने वाली हैं आज। और ये बात तो मैं नहीं, ये बात तो केशव के पापा को भी समझनी चाहिए कि सच में अगर कोई आपको दिल से मानता है ना तो उसको दिल नहीं दुखाना चाहिए। आज देखिए मैं सही बोलूँ तो मैंने लाख कोशिश की लेकिन ये चीज़ें हो गई। उनका ये प्रमाण है कि वो घर में बैठ के उन्होंने सज़ा दी है। क्योंकि मैंने कहा ना एक बार बेटी माफ़ कर देगी लेकिन माँ किसी को माफ़ नहीं करेंगी। चाहे मेरे सगे बच्चे हों, चाहे मेरा पति हो, चाहे मेरा कोई भी हो, वो अपने दंड किसी को माफ़ नहीं करती हैं। मैंने हमेशा सबको बोला है मेरे लिए इतना सा बुरा सोचोगे ना तो इतनी बड़ी सज़ा देंगी। अब ये जिसकी वजह से हुआ है सोचो, जब वो अपने दामाद को इतनी बड़ी सज़ा दे, ऐसा नहीं कि उनका गिफ्ट उनको नहीं मिलेगा लेकिन आज के दिन वो नहीं देने देंगे। क्यों? उनको वो अमावस्या की सज़ा देंगे। क्योंकि सच्ची बात है अमावस्या के दिन मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी, बहुत मना किया था एक दिन पहले, प्लीज़ मत जाओ अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जहाँ तुम जाते हो वहाँ पर तुम्हारे लिए ऑलरेडी सारा बंदोबस्त करके रखा, लेकिन नहीं सुनते। लेकिन वो चीज़ की सज़ा अब उस सामने वाले को, जब मुझे 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 रोक दिया गया, पूरी मुंबई बंद कर दी गई, अचानक से हुआ ये, और जब
केशव के पापा को सजा दे दी गई, तो जिसकी वजह से ये कांड हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारी सुलेमानी रहमानी कीड़े हैं, उसके कीड़े माँ कैसे ख़त्म करेंगी वो तो सिर्फ माँ जानती हैं आज, मैं भी नहीं जानती हूँ। तो जाने दो, उनकी सज़ा वो दया की बात करने की मतलब ये है कि जो मुझे कहते हैं ना कि माता रानी में क्या दम है, तो मेरी माता रानी में बहुत दम है, मेरे सुल्तान जिन में बहुत दम है। मैंने देखा है, एक बार मैं किसी को दिल से माफ़ कर दूँगी, लेकिन वो कतई माफ़ नहीं करेंगी, वो मेरे केशों तक आने वाले लोगों को या किसी को भी माफ़ नहीं करेंगे। आज वो किसी के लिए भी गिफ्ट नहीं आने देंगी। बस उन्होंने एक ही बात कही मुझे श्रृंगार करते समय, मुझ में ध्यान दे, मेरी माता की चौकी में ध्यान दे, बाकी सब मैं देख लूँगी। तो बस बात ख़त्म, उसके आगे बात ही नहीं हो सकती है, क्योंकि पूरी मुंबई बंद है, सारी दुकानें बंद है, रोड पे कोई नहीं दुख रहा है, तो बात ही ख़त्म। तो ये है मेरी माँ, जो मुझे बचपन से बहुत प्यार करती है। मेरी आज मेरी माँ ने स्कंद माता को रूप में, मेरी काली माँ, मेरी विंध्यवासिनी माँ। मैं हंस रही हूँ, हंस इसलिए रही हूँ कि मैं इनके आगे नहीं जा सकती, लेकिन सच में चलो मैं आज आपको आपका रूप, माँ का रूप दिखाती हूँ। रूप इतना प्यारा है कि आप देखेंगे तो बोलेंगे कि सच में माँ का रूप कितना प्यारा है। एक मेरा पीछे से ज़रा वो नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है।